अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं इडली सांभर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सांभर। सांभर बनाने के लिए मैंने एक कप तुअर दाल ली है, जो पीली वाली तुअर की दाल होती है उसको मैंने भिगोकर रखा था। जब वो भीग गई तब मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 चम्मच हल्दी डाल के इसको बॉईल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं थोड़ी अक्खी अक्खी है दाल, बट बॉईल हो चुकी है बट अक्खी अक्खी है। तो इसको हम मैश कर लेंगे इस तरीके से, दाल घोटने की मदद से इसको घोट लेंगे दाल को, जिससे दाल हमारी जो अक्खी अक्खी है वो पूरी तरह से मैश हो जाए। क्योंकि सांभर की जो दाल होती है वो पूरी तरह से मैश हुई हुई होती है, अक्खी अक्खी उसमें दाल नहीं होती है, तो इसलिए इसके हेल्प से हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो ये देखिए, दाल को हमने दाल घोटनी से घोट लिया है अच्छी तरह से, ये बिल्कुल प्लेन हो चुकी है। तो देख लेते हैं सांभर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, इसको मोटा मोटा सा रफली चॉप कर लिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, इसको भी मोटा मोटा चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसमें अपनी पसंद के वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, आप इसमें पम्पकिन ऐड कर सकते हैं, बैंगन ऐड कर सकते हैं, या जो फली होती है सेंगट की आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बट हमें वो सब नहीं पसंद है इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। ये इमली का पल्प लिया है मैंने, इमली का पानी लिया है 1/2 कप, 1 टीस्पून मैंने मेथी दाना लिया है और 1 टीस्पून राई ली है, ये बघार के लिए लिया है। कड़ी पत्ता और 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्चें ली है, जिससे हम बघार देंगे सांभर में। और ये गुड़ ले लिया है मैंने, 2 से 3 टेबल स्पून आप गुड़ ले लें, क्योंकि सांभर का टेस्ट खट्टा मीठा होता है इसलिए गुड़ भी डालना ज़रूरी है इसमें। अगर आप गुड़ नहीं डालना चाह रहे तो आप शक्कर ऐड कर सकते हैं। और ये मसालों में मैंने 2 टेबल स्पून सांभर मसाला लिया है, जो एवरेज की छोटी एक पैकेट होती है वो मैंने पूरी ली है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची ली है अच्छा कलर आने के लिए। और सॉल्ट मैंने 1/2 टीस्पून ही लिया है, क्योंकि जब मैंने दाल को बॉईल किया था उसमें भी सॉल्ट है और जो रेडीमेड मसाला है सांभर का उसमें भी सॉल्ट है, तो इसलिए आप ध्यान से सॉल्ट का इस्तेमाल करें। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, इसमें मेथी दाना और राई डाल दिया है। ये अच्छे से तड़क जाने के बाद इसमें कड़ी पत्ते और सूखी लाल मिर्च डालेंगे। ये हम सांभर का तड़का रेडी कर रहे हैं। अब इसमें प्याज डाल देंगे, प्याज को बिल्कुल भी कलर नहीं लाना है, सॉफ्ट नहीं, बस हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है, बिल्कुल गलाना नहीं है। प्याज मोटी मोटी और अक्खी अक्खी होनी चाहिए इस तरीके से। ये देखें, ना कलर चेंज हुआ है ना ज़्यादा गली है। अब टमाटरों को भी हल्का सा भून लेंगे, टमाटरों को भी गलाना नहीं है, अक्खे अक्खे रहने चाहिए टमाटर। अब जो मसाले हमने लिए थे वो मसाले इसमें डाल देंगे, इनको सॉटे कर लेंगे। इमली का पल्प डाल देंगे, अब इसमें गुड़ ऐड कर देंगे, गुड़ अपने आप इसमें मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, गुड़ मेल्ट हो चुका है, मसाला हमारा बनके रेडी है। अब जो दाल हमने बॉईल करके रखी थी वो सारी दाल हम इसमें ऐड कर देंगे। ये थोड़ी सी दाल बच गई है तो इसमें पानी डालकर वो भी ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सा ये सांभर बनके रेडी होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। इसको हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे, पहले फुल फ्लेम पर उबाल आने देंगे, फिर इसको लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि दाल में सारे मसालों के फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन को दबाइए। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी दिख पाएगी। तो ये देखिए, सांभर हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बन के रेडी हुआ है। गाढ़ा और पतला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैंने इतना पतला रखा है इसको। अब हम इडली बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने इडली का बर्तन ले लिया है। इसको सबसे पहले हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, ऑयल से ग्रीस करने से इडली इजीली निकल जाती है, चिपकती नहीं है। तो अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है, मैंने इडली का बैटर लिया है। मैंने डोसे के वीडियो में आपको बताया था कि इडली और डोसे का बैटर कैसा बनाना है, तो अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाके डोसे की वीडियो देख सकते हैं।
ये वही बैटर है जिससे मैंने डोसा बनाया था और अब मैं इससे इडली बना रही हूँ। इडली का बैटर ये देखिए इस तरीके से गाढ़ा रखना है, अगर आप पतला कर दोगे तो इडली आपकी ख़राब हो जाएगी और डोसे का बैटर पतला होता है बिल्कुल। तो ये देखिए इस तरीके से हमें रखना है इडली का बैटर। ये 2-in-1 मैंने बैटर बनाना बताया था, मैंने 3 टाइप्स डोसे की मेरी वीडियो है चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं, उस पर आपको इसकी वीडियो डाली हुई है कि कैसे मैंने ये बैटर को बनाया है। तो अब स्टीमर में मैंने पानी डालकर पानी को बॉईल कर लिया है, अब फ्लेम को हम कर देंगे लो। अब इडली स्टैंड रख देंगे इस पर, केयरफुली रखना है। ये दूसरा वाला भी हम रख देंगे, ये बिल्कुल इसके ऊपर नहीं रखना है, जो ये आपको होल दिख रहे हैं ये होल के ऊपर ये इडली वाला जो साइड है वो आना चाहिए, वरना एक के नीचे एक इडली चिपक जाएगी। इसको लीड से कवर कर देना है और कवर करके लो फ्लेम पर इसको 10 से 12 मिनट के लिए हम स्टीम होने देंगे। 10 से 12 मिनट में इडली अच्छी तरह से पक करके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए 12 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह इडली हमारी फूल चुकी है साइज में। अब इसमें स्टिक डालकर चेक कर सकते हैं कि इडली कुक हुई है कि नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल सूखा है, गीला नहीं है, मतलब इडली हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। इसको 2-3 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे, उसके बाद में निकालेंगे। तो ये स्पून जब मैंने ये परचेज़ किया था इडली का बर्तन, तो उसके साथ ही मुझे मिला है। अगर आपके पास नाइफ वगैरह है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और परफेक्ट हमारी इडली बन के रेडी हुई है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे तरीके से, बहुत ही माशाल्लाह अच्छी बनेंगे आपकी इडली। और आपने देखा ही है कि कितना आसान है इसको बनाना, बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से बन जाती है इडली घर पर ही। ये मैं आपको एक तोड़कर बताती हूँ, ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है इडली, आप देख सकते हैं बहुत स्पॉन्जी है, बहुत सॉफ्ट है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। आप एक बार इसको बनाकर ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि कितनी अच्छी आप घर पर खुद बनाकर खा सकते हो। तो ये हमारा सांभर और ये कोकोनट चटनी और हमारी इडली बन करके बिल्कुल तैयार है। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।